देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जल्द लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे सभी लोग, लिफ्ट के विवाद में पिटाई, ग्रामीण में कोई कोरोना संक्रमित नहीं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र सरकार आने वाले दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी पाबंदियों में और ढील देने की योजना बना रही है। लोकल ट्रेन में यात्रा करने के बारे में भी कोई निर्णय ले सकती है। वर्तमान समय में सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही लोकल ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बृहन्मुंबई इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति एवं परिवहन के एक कार्यक्रम में कहा कि होटल और रेस्टोरेंट के प्रतिनिधियों ने उनसे मुलाकात की और शाम 4 बजे के बाद भी पाबंदी में ढील देने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिनिधियों को बताया गया है कि कदम दर कदम पाबंदियों में ढील दी जाएगी। दूसरी खबर, सोसाइटी के विवाद में वृद्ध की पिटाई करने वालों के खिलाफ जेरीपट का पुलिस ने मामला दर्ज किया है। कड़बी चौक नमन एक्जोटिका सोसाइटी निवासी 63 वर्षीय दीपक मेहता 28 जून को घर जा रहे थे। उन्हें सोसाइटी के सुरेश चंचलानी, विनय चंचलानी, विनोद श्याम कर, रवि दुलानी तथा अन्य 10-12 लोग खड़े दिखाई दिए। तीसरी खबर, नागपुर जिले में बुधवार को मिले 5 नए संक्रमित शहर के हैं, जबकि ग्रामीण में एक भी संक्रमित नहीं मिला। लगातार 10वें दिन भी नागपुर जिले में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई है। 18 संक्रमितों के स्वस्थ होने से रिकवरी रेट 97.92% पर जा पहुंचा है। अब तक कुल 482,695 संक्रमित स्वस्थ हुए। अब तक कुल 92,472 संक्रमित मिले हैं। 10,117 की मौत हुई। जिले में 5,670 नमूनों की जांच की गई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लाइक एंड हाइक ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।